हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कूलर मोटर की। इसका आज हम आपको डाटा बताएंगे। इससे पहले जो हमने आपको बताया था, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने एल्युमिनियम की मोटर का डाटा बताया था, और आज हम कॉपर में जो मोटर वाइंड होती है उसका डाटा बताएंगे। इससे पहले हमने एल्युमिनियम वाइंडिंग का बताया था, अब हम कॉपर वाइंडिंग का बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो मोटर है इसके 24 स्लॉट और 25 एमएम और इसके जो आरपीएम रहने वाले हैं 1440 आरपीएम है। सिंगल फेस मोटर है ये। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका डाटा आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया ये सिंगल फेस मोटर है और ये इसके जो वाटेज हैं इसके 370 वाट मोटर जो है करंट लेने वाली है, और जो इसके स्लॉट हैं वो 24 हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया 24 स्लॉट की मोटर है और ये इस चार पोल की मोटर है। तो जो इसमें जो सामान यूज़ होगा, जो इसका सामान है उसका ये फ्रेंड्स हम आपको वायर डाटा बता रहे हैं। और इसके जो आरपीएम है 1440 जैसे कि पहले बताया, और जो इसकी वाइंडिंग है वो कॉपर वाइंडिंग में, इसे हम कॉपर वायर से वाइंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो कैपेसिटर है वो हम 4 का यूज़ करेंगे। 4 का कैपेसिटर इसमें लगाएंगे, और इसका जो स्टेटर है 25 एमएम का इसका स्टेटर है, और इसका जो इनर डाया है वो 75 एमएम और आउटर डाया 100 एमएम का है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं रनिंग वाइंडिंग डाटा के बारे में। रनिंग वाइंडिंग के डाटे में क्या क्या, कौन से नंबर की तार यूज़ होगी और कितनी हम टर्ने डालेंगे, ये सारा वायर डाटा आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रनिंग वाइंडिंग का डाटा डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज 29 नंबर की वायर लगेगी। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का मतलब होता है, और इसमें जो कॉइल का साइज़ है 25.5, यानी कि 25.5 इंच की जो इसकी कॉइल की इसकी गोलाई, कॉइल का ये साइज़ है। और इसकी जो पिच है, पिच और टर्न की बात करेंगे, 1 से 6 में पड़ेंगी 300 टर्न, और इसमें जो राउंड लगेंगे 2 राउंड लगेंगे। 1 से 6 यानी कि जहाँ से हम शुरुआत करेंगे, एक वहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और जो 6वीं जो अपनी जो स्लॉट होगी उसके अंदर हम एडजस्ट जो करेंगे उसमें हम जो हैं 300 टर्न की 2 कॉयल हैं, कॉयल एक ही रहेगी फ्रेंड्स, लेकिन राउंड हम 2 लगाएंगे, उसमें 2 राउंड 1 से 6 में लगेंगे। और 1 से 4 में जो फ्रेंड्स, 1 से 4 में जो लगेंगे, जो टर्ने रहेंगी 150 रहेंगी, और इसमें जो राउंड है 1 हम लगाएंगे। तो ये तो था फ्रेंड्स रनिंग वाइंडिंग का डाटा। आप देख पा रहे होंगे, नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये है रनिंग वाइंडिंग का डाटा, रनिंग में जो कितने नंबर की वायर, कॉइल का साइज़, पिच, टर्न, ये जो है रहने वाली है रनिंग डाटा में। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे स्टार्टिंग डाटा की। स्टार्टिंग डाटा में हम स्टार्टिंग में क्या डाटा यूज़ होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो इसकी स्टैंडर्ड वायर गेज, वायर का नंबर जो है 33 नंबर वायर का हम इसमें यूज़ करेंगे, और इसमें जो कॉइल का साइज़ है, कॉइल का साइज इसमें भी फ्रेंड्स सेम रहेगा 25.5, यानी कि 25.5 इंच की इसकी जो कॉइल की साइज रहेगा, गोलाई जो रहेगी। और इसकी पिच और टर्न की बात करेंगे तो इसमें जो पिच है 1 से 6 में डालेंगे 320 टर्ने, 2 राउंड लगाएंगे। इससे पहले जो हमने रनिंग में डाली थी उसमें 300 टर्ने थी और 2 राउंड थे, और इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में 320 टर्ने और राउंड 2 ही हैं, इसमें 20 टर्न का फ़र्क है फ्रेंड्स। तो ये सब कुछ फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिए कि ताकि जो आपको दिक्कत ना आए। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में आप जो 1 से 4 में डालेंगे 160 टर्ने, इसमें फ्रेंड्स 160 टर्ने डालेंगे, और जो है 1 राउंड इसमें लगाएंगे। रनिंग में फ्रेंड्स 150 टर्ने थी,
और स्टार्टिंग में 160 टर्न है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा कूलर की मोटर का वाइंडिंग डाटा, जो हमने आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बता दिया है। ये आप सब कुछ नोट कर लीजिए, कॉपी ले लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर आपको फ्रेंड्स कुछ पूछना है तो वीडियो में कमेंट करें, और किसी और चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमें इस पंखे का डाटा चाहिए, इस मोटर का डाटा चाहिए, समरसीबल हो, टेबल फैन हो, कोई सी भी मोटर का डाटा हो, प्रेस हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आप रिपेयरिंग की वीडियो चाहते हो तो हम आपको ज़रूर आपको बताएंगे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, वीडियो देखकर चले जाते हैं फ्रेंड्स। कुछ अगर पता नहीं चलता तो पूछ लिया कीजिए ताकि जो आपको आगे हम वीडियो में बता सकें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और ये था हमारा कूलर की मोटर का वाइंडिंग का डाटा, जो कि कॉपर वाइंडिंग में हम रिवाइंड करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।